नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। सपने हमें जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं। सपने हमारे इस जीवन के सफर को रास्ते के साथ साथ मंजिल भी देते हैं, लेकिन ये सपने यूं आसानी से साकार नहीं होते हैं। ये मेहनत, परिश्रम और साहस की कीमत मांगते हैं। और झुमकी कल 7 बजे मिलना है। आलस बिल्कुल भी मत करना, स्पोर्ट्स खेलना है ना? जी दीदी। और झुमकी मैंने तुम्हारे लिए शूज ऑर्डर कर दिए, पेमेंट भी कर दिया है, 7 दिन में आ जाएगा। थैंक यू दीदी, कल मिलते हैं। हाँ दीदी, बाय बाय। हमने मना किया था ना बाहर दौड़ने मत जाना, फिर भी तुम गई। एक बार में समझ में नहीं आता तुमको? अरे किसे समझा रहे हैं? इसे? ये किसी की मानने वाली है क्या? बाहर लोग हमारी थू-थू कर रहे हैं कि बहू मर्दों के कपड़े पहन के घूमती है। ये तो हमारी इज्जत है ना, पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। माँ जी, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन हर एक को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा मार, खाना बना, बर्तन मांज, घर की औरतों के लिए यही एक्सरसाइज होती है। भाजी, नेशनल के ट्रायल्स में सिर्फ 6 महीने रह गए, मैं इस साल शादी की वजह से मिस कर चुकी हूँ, मैं अगले साल नहीं मिस कर सकती। माँ जो बोल रही है तुम सुन नहीं रही हो, ऊपर से जबान लड़ा रही हो। ये संस्कार दिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें? हाँ छोड़ बेटा, बहस मत कर इससे। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं मतलब? वही कर रहे हैं जो हमें रोज करना चाहिए। क्या यार संजना, कहाँ है तू? कितने दिन बाद फोन कर रही है? लगता है जीजा जी का प्यार कुछ ज्यादा ही हो गया। चुप करो यार, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई शादी बाद। क्यों, क्या हुआ? हम कितना भी एडजस्ट कर ले, हमारे पति और सास कभी खुश नहीं रह सकते। बाबूजी ने हमें बचपन से कहा था कि कुश्ती खेलो, चैंपियन बनो। उन्होंने एक स्पोर्ट्स गर्ल की तरह हमारी परवरिश की, पर 21 साल के होते हुए कह दिया कि सब छोड़ दो और शादी कर लो। यार ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं। देखना मेरी माँ ने भी तो यही किया, उनकी बात मानकर शादी तो कर ली, पर 1 महीने में ही ससुराल से वापस आ गई मैं। हमारे ससुराल वाले हमें दिन में नौकर समझते और रात को बच्चा पैदा करने वाली मशीन। तो अब क्या करेगी तू? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी तो तुमको कॉल किया है। अब मैं क्या बताऊं यार, तेरी लाइफ है, तू देख ले तुझे क्या करना है। हाँ बढ़िया चाय। निशिकंदा जी, हम क्या सोच रहे थे, जैसे बड़ा बड़ा स्तर का राष्ट्रीय पार्टी जो आपस में समझौता करता है, वैसे वैसे हम और आप भी समझौता कर लेते हैं। कैसा समझौता? अरे मतलब इस बार इस टर्म में जो है ब्लॉक प्रमुख हम बन जाते हैं, अगली बार आप बन जाइए, अब दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। राजेश जी, मेरी माँ ने ना बचपन में एक बात सिखाई थी कि बहुत मीठा बोलने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, जैसे कि आप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगले चुनाव में आपका मन और आपकी नीयत दोनों डोल जाएंगे। ये भी ठीक है। नहीं, हम सोच रहे थे कि लड्डू सिर्फ दो हाथों में बटे तो अच्छा है। कोई बात नहीं, पुनर्विचार कीजिएगा। चलो भैया।
जी, अब प्लीज मुझे रहने के लिए छत दे दो। हम आपके एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। मम्मी संजना को यही रहने दो, इतना बड़ा घर तो है हमारा। लेकिन कनिका, लेकिन कुछ नहीं, संजना यही रहेगी, मेरा और सुकृति का भी मन लगा रहेगा। हाँ ना माँ, यही रहने दो ना। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जैसे तुम अपने कपड़ों का कारखाना चलाती हो, वैसे इसे भी अपना कुछ करना होगा। कब तक हमारे भरोसे रहेगी? अपने खुद के पैसे कमाएगी तो हिम्मत बंधी रहेगी, ठीक है? के लिए इनको साफ करके बाहर रख दे, कस्टमर्स आते होंगे। ठीक है। अरे संजना, ये हमारे दोस्त महेश। अरे तुम भी आओ ना, मदद करवाओ। अरे हमें ना कहीं काम से जाना यार, हम तुम्हें शाम को फोन करें क्या? और सारा खाना खत्म। सोचो यार, 15 दिन में स्टॉल इतनी चल पड़ी है। अब हम केयर फ्री होके सुबह शाम ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ निशिगंधा चाची, तुम्हारे और कनिका के बदौलत हुआ है। क्या बात है। तो भाई इसी बात पे खाना खा ले आप, मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शादी से जीवन में भाग्य उदय होता है, लेकिन संजना का भाग्य तो अस्त हो गया था। वो भी एक कर्मठ खिलाड़ी की तरह शादी के बाद भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहना चाहती थी, मेडल जीतना चाहती थी, लेकिन ग्रस्त जीवन ने उसके सामने कुछ कठिन चुनौतियां परोस दी। अपनी किस्मत से लड़कर वो गाजीपुर आ गई और अपनी सहेली कनिका के परिवार के साथ कुछ इस तरह से घुल मिल गई जैसे वो जन्म से ही इस परिवार का हिस्सा रही हो। लेकिन उसके जीवन में आगे क्या होने वाला था, इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। ये तो वही लड़की लग रही है जिसकी मिसिंग कंप्लेन निशिकंदा जी ने लिखवाई थी। जी सर, संजना कनिका की फ्रेंड। लगता है मर्डर हुए काफी टाइम हो चुका है। फोटोग्राफर्स की टीम बुलवाओ और क्राइम सीन की अच्छे से फोटोग्राफी करवाओ। निशिकंदा शर्मा को इन्फॉर्म करो और पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर से बोलना कि सेक्सुअल असॉल्ट का एंगल भी चेक करें। जी सर। निशिकंदा जी, 3 जुलाई को आपने संजना की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी और आज 6 जुलाई को हमें उसकी बॉडी मिली है। ये बात पोस्टमार्टम से और कंफर्म हो जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि उसकी डेथ 3 जुलाई को ही हो गई थी। मिसिंग कंप्लेन में आपने बताया था कि वो आपकी बेटी कनिका की दोस्त थी और आपके घर में रह रही थी। इंस्पेक्टर साहब, हमें लगा कि वो लौट कर अपने ससुराल गोरखपुर वापस चली गई, लेकिन उसकी तो यहाँ गाजीपुर में। ससुराल? वो शादीशुदा थी? जी, उसका ससुराल गोरखपुर में। कनिका, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? सर, मैं और संजना हम दोनों नेशनल यूथ चैंपियनशिप में मिले थे। वो अंडर 16 कुश्ती खेलती थी और मैं एथलेटिक। हमारी तब से फ्रेंडशिप हो गई थी।
निशिकंदा जी, ये सारी बातें आपने मिसिंग कंप्लेंट में नहीं लिखवाई थी। अगर संजना शादीशुदा थी तो आपके घर में क्या कर रही थी और कब से थी? सर, उसके पति और उसकी सास उसे बहुत मारते पीटते थे। उसके पति ने तो अपने भाई से उसका रेप भी करवाया था बच्चे के लिए। संजना बेटा, ये देख, पंडित जी ने ना ये फूल दिए और है ना ये विभूति दी है, इसे खाने से तेरे अंदर जो कमी है ना वो ठीक हो जाएगी और तू माँ बन जाएगी। पंडित जी को कैसे पता कि कमी हमारे अंदर है? वो क्या डॉक्टर है? और वैसे भी कमी इनमें भी तो हो सकती है। क्या क्या कहा तुमने? तुमको यही लगता है ना कि कमी हमारे अंदर है? हाँ, जिन जिन दोस्तों की हमारे टाइम पर शादी हुई थी उन सबकी बीवियाँ पेट से हैं, सिवाय इसके अभी करते हैं इसका इलाज। क्या कर रहा है? किसे फोन कर रहा है? सुनील को बुला रहा हूँ। अरे, इतनी सी बात के लिए सुनील को लखनऊ से बुलाने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारे हर बेटे में तो कमी नहीं हो सकती मामा। आ जा। ये क्या कर रहे हैं आप? कमी है ना हमारे अंदर, निकाल रहे हैं। शुरू हो जा। चल सुनील। और उसके अगले दिन वो वहां से भागकर हमारे साथ रहने के लिए आ गई। अगर भाई से रेप करवाया था तो पुलिस केस बनता है और पति पर भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। आपको कुछ आइडिया है उसने कोई पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी या नहीं? नहीं सर, वो इतनी डरी हुई थी, वो कंप्लेंट कहाँ से लिखवाएगी? सर, 2 जुलाई को उसका पति उसे जबरदस्ती ले जाने भी आया था। हम और हमारी माँ तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के मौज मना रही हो। चलो घर चलो, चलो घर। छोड़ो मत ज्यादा, तुम अभी भी हमारी पत्नी हो, पूरा हक है हमारा तुम पर। हम जी चल। छोड़ो, चल। छोड़ो मैं। लात की भूत है, ऐसे नहीं मानेगी ना, मानेगी ना। और जब 3 जुलाई को वो दिखाई नहीं थी तो हम यहाँ आ गए कंप्लेन लिखवाने। तो हमें लगा कि शायद वो लौट कर चली गई है। बहुत दुख हो रहा है, वो इतने दिन हमारे घर पर रही, ऐसे घुल मिल गई थी जैसे मेरी दोनों 3 बच्चियाँ हों। ढंडड आइए, रेडी है चाय और पकौड़ा। क्या बात है, तुम लोग ने मेरे बिना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कैसे फिर से खेलो? और मुझे ना रेड कलर यार, नहीं लाल मेरा है, मैं पहले से लेके बैठी हूँ ना। अरे तुम लोग कितने लड़के रहे हो, ब्लू मेरा है पहले से। ऐसे कैसे मुझे रेड कलर? अरे गाइस, मेरे पास गाइस मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, हम चिट पे चारों कलर के नाम लिख देते हैं, जिसके पास 2 चिट है उसका वो कलर, वरना मैं चाय और पकौड़े नहीं दूंगी। यार बिल्कुल ठीक तो कह रही है संजना, खेल से पहले इतना लड़ोगे तो खेल के बीच में तो एक दूसरे का मुंह नोच लोगे। कनिका, संजना आपके बहुत करीब थी, आपको क्या लगता है कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? सर हम क्या बताएं, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सर हमें तो सारा काम उसके पति का लगता है। सर वो उस दिन जिस तरीके से आया, उसने बदतमीजी की और साथ ही साथ वो धमकी भी देके गया था। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन देख हम तेरे साथ क्या क्या करते हैं। उसके पति का कोई नंबर या कुछ एड्रेस वगैरह? नंबर तो नहीं है, पर उसके पति का नाम प्रशांत त्यागी है और वो गोरखपुर में गांधीनगर में रहता है। संजना का कोई नंबर है आपके पास? तो गोरखपुर से आने के बाद संजना ने फोन ही नहीं चलाया, उसका पुराना नंबर है हमारे पास। बताइए, मोबाइल कंपनी से इस नंबर की सारी कॉल डिटेल्स निकल लो, इससे उसका एड्रेस और उसके पति का नंबर भी मिल जाएगा। प्रशांत को फोन करो और पूछताछ के लिए उसे यहाँ बुलाओ। सर, इंस्पेक्टर साहब, संजना एक स्पोर्ट्स टैलेंटेड लड़की थी, बस किस्मत की मारी थी, ससुराल तो खराब मिला ही, बाप ने भी उसे अपना नाता तोड़ लिया था। जब वो गोरखपुर से अपने ससुराल से हमारे यहाँ आई थी तो मैंने उसके पिता को बुलाया था बात करने के लिए। जयराम जी, हमें बहुत दुख हो रहा है, एक पहलवान होकर आप ऐसी गवारों वाली सोच रखते हैं। अरे आपको तो संजना को खुशी खुशी घर ले जाना चाहिए, वो आपका और आपके अखाड़े का नाम रोशन करेगी। ओ मैडम जी, हम गवार हैं ना, हम गवार ही अच्छे हैं। एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, लड़की की शादी हो जाए
पियर से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। वाह बाबूजी, जब हम मेडल जीत के लाते थे तब तो आप बड़ी शान से कहते थे हमारी बेटी हमारा स्वाभिमान, तुम हमारी बेटी नहीं बेटा हो। अब हम समझ गए वो सारी बातें आप बस तालियां बटोरने के लिए कहते थे। मेरी इज्जत की इतनी भी चिंता हो तो जा अपने ससुराल और माफी मांग ले उन लोगों से। और हमारी इज्जत, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है? देखा चाची, हम सही कहते थे, आप लाख कोशिश कर लो मरजदाद कभी औरत को समझ ही नहीं सकता, भले उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। चुप, आज हम तुमको बाप और बेटी के रिश्ते से मुक्त करते हैं। तुम जियो मरो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दिन बाप बेटी के बीच में जो भी बचा कुचा औपचारिक रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। संजना के पिता का नाम और एड्रेस लिख कर दीजिए प्लीज। हेलो प्रशांत त्यागी। हाँ कौन? मैं गाजीपुर पुलिस स्टेशन से PSI मिश्रा बोल रहा हूँ। यहाँ गाजीपुर में आपकी पत्नी संजना का मर्डर हो गया। कौन संजना? मैं रॉन्ग नंबर। हेलो किसका फोन है? पुलिस। कितनी बार मना किया, तुम वीडियो मत निकाला करो, कोई देख लेगा। हमारा फोन कोई नहीं चेक करता। अभी हमें जाना है, हम तुमसे बाद में बात करते। सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो यार? बाद में मिलते, ठीक है बाय। अच्छा सुनो हम छोड़ देंगे यार तुमको। अरे रुको तो सही। हमेशा संजना के पति प्रशांत ने संजना के मर्डर के बारे में सुनते ही फोन कट कर दिया, पर अब फोन उठा भी नहीं रहा। नहीं उठा तो उसको उठा, अभी कभी गोरखपुर निकले और गोरखपुर पुलिस के साथ इस प्रशांत का पूरा बैकग्राउंड चेक करो और संजना के साथ इसके रिलेशंस की डिटेल्स भी वेरीफाई करो और अरेस्ट करके लाओ। सर मुझे जल्द से जल्द इस प्रशांत की कॉल और लोकेशन डिटेल रिकॉर्ड चाहिए और वो संजना के पिता जयराम पहलवान उसके भी। सर कितना अच्छा होता ना अगर हमारे घर वाले हमें शादी के लिए फोर्स नहीं करते और हम लाइफ टाइम स्पोर्ट्स में रहते। हमने आज तक जो भी स्पोर्ट्स से सीखा है कोच बन के दूसरों को सिखाते। तो देखना ये 2-3 साल में हम भी बाबूजी की तरह अखाड़ा खोलेंगे। प्रशांत। हाँ PSI मिश्रा गाजीपुर पुलिस स्टेशन चल। जांच के हिसाब से तू और तेरी माँ संजना को बहुत ज्यादा परेशान करते थे और इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गई। घर छोड़कर नहीं भागी वो, घर से चोरी कर भागी है साहब। हे भगवान, बर्बाद माँ। ये सब क्या है? भाग गई बेटा वो, सब कुछ चुरा के भाग गई। तो तुम्हारे हिसाब से तो संजना बहुत कुछ चुरा कर भागी, तो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई होगी।
नहीं साहब, रिपोर्ट नहीं लिखवाई, बदनामी होती। अब जैसी थी भी साहब, बीवी थी हमारी। तो फिर क्या किया? फिर हमने उसे अपने गांव में ढूंढा, उसके पिता के गांव देवरिया में ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। फिर हमने गोरखपुर के लोकल थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई साहब, पर कुछ नहीं मिला साहब। कैसे मिलेगा? इतना टॉर्चर करेगा तो भागेगी नहीं तो और क्या करेगी? अब हमारी जगह आप होते ना तो आपका भी हाथ उड़ जाता। ऐसी हरकतें थी उसकी। ये क्या हाल बना रखा है तूने? हाँ, नई नवेली दुल्हन कैसे निक्कर और टी शर्ट पहनती है? देख बेटा, मेरी कुछ सहेलियां तुझे देखने आ रही हैं। जाके ना अच्छी सी साड़ी पहन ले और आते वक्त है ना इतना घूंघट भी रख लेना। मैं नहीं आ रही किसी के सामने, आपने मुझसे पूछ के बुलाया था। और वैसे भी थोड़ी देर में कुश्ती का फाइनल मैच आने वाला है टीवी पर, तो मैं वो देखूंगी। तो अपने सहेलियों को बोलो कि कल है। क्या हुआ? देखना बेटा कैसे जबान चला रही है। देख बेटा, जाके साड़ी बदल ले, जा जल्दी जा। धक्का कैसे मारा? अरे धक्का, धक्का कैसे मारा? ये तो मेरी जान ही लेके मानेगी। फिर इतनी हिम्मत हो गई, अब तू माँ पे हाथ उठाएगी? जरूरत पड़ी ना पति पर भी उठा सकती हूँ, समझे? माँ तो ठीक है? सब सुना दिया, सुना ना। अब मेरी बात सुन, ये देख, ये उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जिससे कंसल्ट कर रहे थे बच्चे के लिए। तू संजना से जबरदस्ती कर रहा था बच्चा पैदा करने की, यहां तक कि अपने भाई से उसका रेप भी करवा दिया। नहीं 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 साहब, रेप नहीं करवाया। हमें पता है साहब, उसकी सहेली ने आपके कान भरे होंगे साहब। साहब हमने सिर्फ अपने भाई को उसके साथ सुलाने की बात कही थी, क्योंकि उसने हमारी मर्दानगी पे सवाल उठाया था साहब। और तेरी मर्दानगी को ठेस पहुंची और तूने उसे मार दिया? नहीं साहब, हमने उसे नहीं मारा साहब। और साहब ये जो बच्चे की बात भी है, अभी इसके बारे में हम आपको क्या बताएं साहब? आप दोनों के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप दोनों कैसे पति पत्नी हैं। आई मीन, आप दोनों में बातचीत नहीं होती है क्या? हमको समझे नहीं मैडम, बातचीत? मेरा मतलब है, आप कह रहे हैं कि आपको बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, पर क्या कभी आपने अपनी पत्नी से पूछा है कि इन्हें बच्चा चाहिए या नहीं? इसमें पूछना क्या मैडम, बच्चा तो चाहिए। वेल, आप दोनों के रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, पर संजना माँ कैसे बनेगी जब वो गर्भ निरोधक गोलियां ले रही है? तुम बच्चा रोकने का गोली ले रही हो? हाँ तो जबरदस्ती करेगा तो पढ़ी लिखी समझदार औरत और क्या करेगी? एक बार भी उससे पूछा कि बच्चा क्यों नहीं चाहती थी? नहीं, बस उसका रेप करवा दिया अपने भाई से। पूछना क्या है साहब, हमें पता है कि उसको बच्चा क्यों नहीं चाहिए था और वो भागकर यहाँ पर गाजीपुर क्यों आई थी साहब। ये देखिए साहब, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए साहब, ये साहब, इसी वीडियो की वजह से हम यहाँ गाजीपुर आए थे। और सच बताएं साहब, हम ये सब कुछ भूलकर उसको अपने साथ वापस ले जाना चाहते थे, पर वो नहीं मानी, मना कर दिया साहब उसने हमसे। और उसकी ना सुनकर तेरी मर्दानगी को फिर ठेस पहुंची होगी और इसीलिए तूने उसे मार दिया। पर साहब हम कह रहे हैं हमने नहीं मारा साहब उसको। 3 जुलाई को कहाँ था वो? 2 जुलाई को हम सुबह आए थे यहाँ पे और रात को बस पकड़ के हम चले गए थे वापस। फिल्मों में ट्राई किया है? आँख में आँख डालकर झूठ बोलता है। ला ये देख, तेरे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स। 2 जुलाई को तू गाजीपुर आया था और 4 जुलाई को वापस गया था। देख साहब, अब सीधे बताएगा या डंडा खाएगा? नहीं 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 साहब साहब साहब, हम 4 जुलाई तक यहाँ रुके थे, बस एक ही वजह थी कि हमारी माँ ने कहा था कि संजना को अपने साथ घर वापस लेकर आना, नहीं तो मत आना साहब, इसीलिए रुके थे साहब। मिश्रा सिख, बाकी कितनी बात मानता है साहब? हमने कुछ नहीं किया। साहब वीडियो कैसे मिला? साहब ये देखिए साहब, ये साहब इस नंबर से वीडियो आया था और इसी नंबर से यहाँ का एड्रेस भी आया था साहब। किसका है? कौन है? हम सच में नहीं जानते साहब। इसके पास तेरा नाम नंबर सब है, तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। जितना छुपाना छुपा ले, सच हम उगलवा कर रहेंगे। साहब हम क्यों छुपाएंगे साहब? मिश्रा पता लगाओ किसका नंबर, इसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाओ। और इसका भाई, क्या नाम है तेरे भाई का? साहब सुनिए, उसके भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पता करो वो लखनऊ में था या फिर गाजीपुर में इसके साथ गश्त कर रहा था। उसको लॉकअप में डाल। अरे साहब, हमें क्यों लॉकअप में डाल रहे साहब? हमारी माँ घर पे अकेली है साहब, हमें जाने दीजिए साहब। तू संजना के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट तो है ही,
तेरे ऊपर और चार्जेस भी लगेंगे। साहब सब साहब सब गलत है साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम सच के सुनो तो सुन सुन हमारी बात सुनो। सर ये वीडियो इस प्रशांत को भेजने का मकसद क्या हो सकता है? बहुत से कारण हो सकते हैं, संजना को एक्सपोज करना, उसको बदनाम करना, या फिर इस प्रशांत को उकसाना ताकि वो संजना को मार दे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मर्डर चाहे प्रशांत ने किया हो या किसी और ने, हो ना हो इस मर्डर के पीछे ये वीडियो ही है। पहले पता करो कि ये नंबर किसका है, कि कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो ये करना क्या चाहता था। प्लीज सर। निशिगंधा जी नमस्कार। अब यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा अपने प्रतिद्वंदी का हालचाल जानते चलें। क्या है कि अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानकारी रखने से प्रेम और सौहार्द बना रहता है। रख दो भैया, कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, हमने सोचा कि पूछ लें आपसे, शायद आपका मन बदल गया हो। मन बदल गया हो तो तोहफा कबूल कीजिए। सर प्रशांत जी को जिसने वो वीडियो भेजा था उसका पता चल गया। गुड, कौन है वो? सर एक 19 साल का लड़का है, महेश यादव। हाँ तो बात करो उससे। सर उसके घर पे ताला लगा हुआ है, पड़ोसियों ने कहा कि वो यहाँ अकेले रहता पर पिछले 3-4 दिन से घर नहीं आया। अरे तो ताला तोड़ो उसके घर का और अच्छे से तलाशी लो, देखो क्या सुराग मिलता है। सब कुछ अच्छे से चेक करो। कौन है ये लड़का, चाहता क्या है, कर क्यों रहा है ये सब? सर यही तो समझ में नहीं आया, इसकी तलाश जारी है, फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया। निशिगंधा शर्मा से इसके बारे में बात की? सर मैंने फोन किया था, उनका फोन अनरीचेबल है। मिश्रा ये सारे वीडियोस देखकर एक कहानी बनती नजर आ रही, सुकृति और ये लड़का महेश, महेश ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते, उधर कनिका और संजना के संबंध थे, फिर सुकृति और संजना के संबंध बने और ये सारे वीडियोस महेश ने रिकॉर्ड कर लिए। जी सर। फिर महेश को शायद संजना और सुकृति की नजदीकियां पसंद नहीं आई तो उसने कनिका और संजना का वीडियो प्रशांत यादव को भेजा और उसे यहाँ का पता भी दे दिया। सर अगर एक मिनट के लिए मान ले कि प्रशांत सच कह रहा है तो संजना को मारने का मोटिव महेश के पास भी है, उसे संजना और सुकृति के बीच की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आई हो इसलिए उसने संजना को मार के अपने और सुकृति के बीच के रास्ते के कांटे को हटा दिया। मिश्रा उस लॉजिक से तो मोटिव कनिका के पास भी, क्योंकि कनिका और संजना के संबंध, हो सकता है कनिका को ये बात पसंद नहीं आई हो और उसने संजना को या तो मार दिया हो या फिर मरवा दिया हो, अब अपनी बहन को तो मारने से रही। सर इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा बदनामी निशिगंधा जी की हो रही है। एग्जैक्टली, ये तीनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं लेकिन इनकी कड़ी महेश यादव से जुड़ी है, उसकी तलाश तेज करो। सर सर ये प्रशांत के भाई सुनील त्यागी के कॉल रिकॉर्ड्स। कुछ सस्पिशियस? नहीं सर, वो पिछले एक महीने से लखनऊ में ही है और उसका फोन ऑफिस एक्टिविटीज के लिए रेगुलर यूज हो रहा है। महेश यादव के लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हो? सर इसकी ज्यादातर बात सुकृति और उसके घर वालों से ही होती है। 4 जुलाई के बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। सर हमने पता किया, मर्डर के बाद से वो फरार है। सर ये संजना के पिता जयराम पहलवान की कॉल रिकॉर्ड्स है, CDR में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है सर, लेकिन अगर लोकेशन रिकॉर्ड्स को देखें तो इस केस में एक नया ट्विस्ट आ सकता है। 3 जुलाई को संजना का पिता गाजीपुर में था। पर 3 जुलाई को ही संजना का मर्डर हुआ, कहीं जयराम ने अपनी बेटी का ऑनर किलिंग तो नहीं किया? वे तो वही बताएगा, उठा कर लाओ उसे, पहलवान ही निकालते हैं उसके। जी PSI मिश्रा, गाजीपुर पुलिस स्टेशन। यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी का मर्डर करके बड़े चौड़े हो रहे हो। मर्डर?
अखाड़े में दावपेच खेलते खेलते दिमागी दावपेच भी खेलने लगे पहलवान। बेटी ससुराल छोड़कर भागी तो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस लगी और मार दिया उसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहलवान कितना भी पिछड़ा हुआ हो, मिट्टी से रिश्ता नहीं तोड़ता, और संजना मेरी मिट्टी थी। अच्छा तो 3 जुलाई को गाजीपुर में क्या कर रहे थे? बोलो। मैं बताऊं, तुम्हारे दामाद प्रशांत त्यागी ने तुम्हें फोन किया और 2 जुलाई को गाजीपुर बुलाया और उसने तुम्हें वीडियो वाली बात बताई। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स ने इतनी कहानी तो बता दी, आगे की तुम बता दो। मैं 3 तारीख को गाजीपुर गया था साहब, बेटी को समझाने, और निशिकंदा जी के घर भी गया था। ये लो मैडम, बादाम वाला दूध। थैंक यू। तू मेरा कितना ख्याल रखती है, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? तू नहीं होती तो चाहत नहीं होती। ये जो तुम सुना रहे हो ना, कहानी लग रही है, कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहा है? बेटी मरी है मेरी, आपकी मरी होती ना तो कहानी नहीं लगती। कानून भावनाओं पर नहीं चलता है। हिरासत में डालो। सर महेश यादव का कोई लीड नहीं मिल रहा है। कोशिश करते रहो। मिश्रा, निशिकंदा शर्मा से महेश यादव के घर में मिले वीडियोस के बारे में बात करो। मैं नहीं देख सकती ये सब। एक माँ से कुछ नहीं छुपा होता। हमें इनके सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में पता था और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन कोई इनकी इज्जत ऐसे भरे बाजार उछालेगा? आपको कोई अंदाजा है कि ये लड़का कहाँ भाग सकता है? क्या ये आप में से किसी के टच में है? हमें नहीं पता ये लड़का कहाँ जा सकता है। वो तो सुकृति की वजह से इस घर में आता था। क्या इसने संजना का मर्डर किया है? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमने संजना के पति प्रशांत त्यागी और उसके बाप जयराम पहलवान को हिरासत में ले लिया। महेश सर, इसे भी वैसे ही मारा गया जैसे संजना को, और दोनों मर्डर स्पॉट भी आसपास ही है। बॉडी जितनी डिकम्पोज हुई है, इसे मरे हुए भी बहुत टाइम हो चुका है। सर हमने मर्डर वेपन ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं मिला। कॉलर धीमा बोल, तुझे बहन का मतलब भी पता है? क्या फर्ज होता है बहन का? मैं तुझे कह रही हूँ अभी इस कमरे से चली जा, वरना ना माँ के आने के पहले ना घर में एक और लाश होगी। निकल। दी मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं कह रही हूँ निकल, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? सर, महेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से उसकी मौत 4 जुलाई को हुई, मतलब संजना की मौत के ठीक एक दिन बाद। जी सर, पर ये प्रशांत त्यागी भी यहाँ गाजीपुर में 4 जुलाई तक था। सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत ने 3 तारीख को पहले अपनी बीवी संजना को मारा, और जिसमें उसका साथ दिया होगा उसके पिता जयराम पहलवान ने। तो हो सकता है महेश उसके बाद प्रशांत को ब्लैकमेल करने लगा, इसलिए 4 तारीख को प्रशांत ने महेश को भी मार दिया, और उसके बाद 4 जुलाई को ही ये प्रशांत गाजीपुर से वापस गोरखपुर चला गया। सब सब विश्वास करो हमारा, हमने ना अपनी पत्नी संजना को और ना ही उस लड़के महेश को मारा है साहब। और तुम भी झूठ बोल दो, किसके साथ नहीं थे? झूठ नहीं साहब, सच है, हम थे ही नहीं, मेरी मरी हुई बेटी की कसम। तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे, इनको तब तक तोड़ो जब तक ये सच नहीं होगा। अरे नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। बात सुनो साहब, बात सुनो सर। सर प्रशांत और जयराम तो अपने बयान से हिल नहीं रहे, लेकिन सर एक बात है जो मेरे दिमाग में बार बार खटक रही है। प्रशांत जयराम और महेश के बाद अगर संजना को मारने का मोटिव किसी के पास था तो वो कनिका शर्मा। हो सकता है इस महेश ने कनिका को संजना और सुकृति की वीडियो दिखाई, कनिका को गुस्सा आया तो उसने महेश के हाथों संजना को रास्ते से हटा दिया, उसके बाद उसने खुद महेश को मारा क्योंकि महेश उसका राज जानता था, तो सुकृति का भी नाजायज फायदा उठा रहा है। और निशिकंदा भी तो कर सकती है, तीनों की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा और तीनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलवा। सर
अगर मुझे महेश का सच पता होता ना तो मैं उसे जरूर मार देती, पर अफसोस उसे किसी ने पहले ही मार दिया। और जहां तक सवाल है संजना का, मैं उसे क्यों मारूंगी? वो मेरा प्यार थी, वो तो जो भी गुनाह करे उसे सब माफ था, इस जन्म और जन्म जन्म सब मेरी गलती है। हम ये बात कभी नहीं समझ पाए कि महेश एक अच्छा लड़का नहीं है, उसे सिर्फ हमेशा सेक्स की पड़ी थी, हमेशा हमारे गंदे वीडियो बनाना चाहता था, वो जो कहता था हम सब करते थे, हम उसे प्यार समझते थे, लेकिन प्यार का असली मतलब तो हमने उस दिन समझा। तू मेरा कितना ख्याल रखती है, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? तू नहीं होती तो चाहत नहीं होती। और महेश ने न जाने उनका ये वीडियो कब ले लिया। और रही बात मेरी और संजना के संबंध की, इसमें संजना की कोई गलती नहीं थी, मैं ही थी जो ये रिलेशन को एक्सप्लोर करना चाहती थी। बात जब कनिका को पता चली तो तुम दोनों का झगड़ा हो गया, पर खून का रिश्ता प्यार के रिश्ते पर भारी पड़ा और संजना मारी गई। उसका चश्मदीद गवाह महेश कुछ दिनों बाद वो भी मर गया। तो बताओ किसके साथ मिलकर ये खेल रचा था? तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ के साथ। मैं नहीं जानती कि संजना महेश को किसने मारा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ सब मेरी गलती है, इन सबकी गुनहगार मैं हूँ, सब मैं। मेरे सारे एक्शन की वजह से सारे रिश्ते टूट गए, सब मेरी गलती थी। हम क्या बोले इंस्पेक्टर साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आती। एक तरफ चुनाव का टेंशन है तो दूसरी तरफ घर में मातम छाया हुआ है, दोनों बच्चियों का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन हम इनके रोने पे जाने वाले नहीं। लेकिन अगर हमें पता चला कि कनिका या सुकीर्ति ने कुछ भी गलत किया है तो हम सबसे पहले उन्हें आपके पास लेकर आएंगे। समय बीतता जा रहा था लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर दिया और ऐसे में दो नए लोगों के खिलाफ पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिले। सर, महेश यादव के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसके साथ महेश ने अपने मर्डर से एक दिन पहले लंबी बातचीत की थी, करीब 10-12 मिनट। किसका नंबर है? राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर, ये वही है ना जो निशिकंदा शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दो बिल्लियों के झगड़े के बीच एक बंदर रोटी खाने की फिराक में? जुलाई को आपकी महेश यादव से फोन पर बात हुई थी, तकरीबन 10-12 मिनट, और 4 जुलाई को उसका खून हो गया। ऐसी क्या बात हुई थी महेश यादव से? अब ये महेश यादव है कौन? निशिगंधा की बेटी का बॉयफ्रेंड, हम क्यों बात करेंगे उससे? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई उससे। ये नंबर तुम्हारा ही है ना? ये नंबर क्या है ये सब? ये नंबर हमने इसको दिलवाया था। आप ही के कहने पर तो हमने ये सब किया है। आप ही ने कहा था ना कि निशिगंधा मैडम चुनाव न लड़ पाए, इसीलिए आपने मर्डर का। तुम्हारी जान ले लेंगे हम, दिमाग खराब नहीं करना। चुप, अब जो भी बोला थाने चलकर बोलना, पूरे घर के अच्छे से तलाशी लो, खासकर उस कमरे की जहां पर ये रहता है। कौन सा तेरा कमरा? जी इस तरफ। अब ये क्या है? पता चलेगा, लेके चलो। लेकिन सर हमने कुछ किया ही नहीं है। दे तो। सर सर बताते बताते सर। हाँ सर, दरअसल अपना प्लान पूरा करने के लिए हमने महेश को कहा था कि प्रशांत को संजना और कनिका का वीडियो भेजने के लिए, फिर प्रशांत ने आकर संजना के साथ लड़ाई की तो उसको मौका मिल गया सर, और उसने संजना को अपने रास्ते से हटा दिया। महेश हमसे पैसा मांगने लगा साहब, तो थोड़ी बहस हो गई। और अरे भाई क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, पैसा चाहिए तुमको? साहब हमने अपने से कुछ नहीं किया, हमें ये सच सच करने को कहा गया था। क्या गेम खेला? एक तीर से दो शिकार। अब अपने मुंह से बता दो क्यों मरवाया संजना त्यागी और महेश यादव?
मरवाते नहीं तो क्या करते हम उसे? न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब संजना हमारी बेटी से मिली। उस संजना ने कृतिका के संस्कार खराब कर दिए थे और उससे भी उसका पेट नहीं भरा तो अपनी शादी तोड़कर हमारे घर आ धमकी। क्या करते, बेटी की खुशियों के आगे हमने अपने घुटने टेक दिए थे, अपनी आंखों के आगे पर्दा डाल लिया था। तभी हमने तय कर लिया था कि संजना को अपने रास्ते से हटा देंगे। और महेश, उसे क्यों मरवाया? हमें डर था, चुनाव आने वाले थे। मैंने कहा अगर महेश ने अपना मुंह खोल दिया तो सब बस। इसीलिए हमने तय किया कि उन दोनों को अपने रास्ते से हटा देंगे और इस काम के लिए हमने गौरव को चुना। क्या फायदा हुआ? नाम गया, इज्जत गई, बेटियों का प्यार भी छिन गया। वो चाहकर भी ना तो तुम्हें माफ कर पाएंगी और ना ही तुमसे प्यार कर पाएंगी। रिश्ता कोई भी हो, उसकी एक मर्यादा होती है और इस मर्यादा के साथ खिलवाड़ कई बार महंगा पड़ सकता है। अब मैं अनूप सोनी आप सब से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।